हेलो, आई एम प्रदीप कुमार सिबोरत फ्रॉम मॉरिशस। मैं यहाँ हीलिंग हॉस्पिटल में आया हूँ चंडीगढ़ में। मेरा घुटने में बहुत दिन से 20 इयर्स बैक से पेन था। मुझे एक ऑपरेशन करना था, सर्जरी करना था, तो मुझे बेसिकली मुंबई में करना था ये ऑपरेशन। बाद में मैंने यूट्यूब पर देखा, एक बार देखा, दो बार देखा, तीन बार देखा। फाइनली मैंने डिसाइड किया कि नहीं, यही करना है, क्योंकि ये जो फ्री थी FT 3D होती है ना, इसी के बारे में मैंने जानकारी पाई और यहाँ आकर डॉक्टर गिल से मिला, तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया, ये सब बताया। और पूरा जो घुटनी है ना, उसमें प्रॉब्लम हो गया था, पूरा चलने के मुझे बहुत 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 डिफिकल्टी होता था। तो इसके बाद उसने मुझे बताया ये जो रोबोलेंस टेक्निक के बारे में। तब मैंने डिसाइड किया कि इसी के दौरान मैं ये ऑपरेशन सर्जरी कर दूँ। तो मुझे एडमिशन हुआ फ्राइडे को, सैटरडे को सर्जरी हुआ और मेरा रिकवरी शुरू हो गया। नेक्स्ट डे को मैं चलने फिरने लगा, ये स्टिक सब यूज़ करके बिल्कुल पेनलेस। इंजेक्शन भी मुझे लगाना ही नहीं, पीठ में नहीं लगाना पड़ा, सब अच्छा से। और मैं सबको, जितना पेशेंट हैं जिसको प्रॉब्लम है ये सब नी का, मैं उन लोगों से गुजारिश करूंगा कि एक बार आकर डॉक्टर गिल से मिल लीजिए। ऑपरेशन के बाद मेरा जो रिकवरी था ना, वो बहुत और जल्दी हो गया। ब्लड लॉस नहीं हुआ, ICU में स्टे नहीं करना पड़ा मुझे और खून भी नहीं चलाना पड़ा, सब अच्छा से हो गया। मुझे ये कहना है, ये जो नया टेक्नोलॉजी है रोबोटिक लेंस के बारे में, ज़रूर जानकारी पाएगा। यहाँ डॉक्टर गिल से आकर मिलना और इसके बारे में जितना जानकारी आपको चाहिए वो लोग दे सकते हैं आपको। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि ज़रूर आइएगा और जितना सुविधा मिलेगा आपको यहाँ मिलेगा।